पुणे में अटली की जबर तैयारी शुरू। जल्दी शुरू होने वाला है शाहरुख खान की फिल्म जवान का काउंटडाउन। जी हाँ, ताजा रिपोर्ट्स की माने तो पुणे में अटली की फिल्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं शाहरुख खान अपनी हीरोइन नयनतारा के साथ भी एक ऐसा सीन शूट करने की तैयारी में है जिसे देखकर इनके फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ चलेगी। ऐसे सीन से हमारा मतलब है पहले स्केड्यूल का पहला सीन। पिंकविला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर अटली एंड क्रू आर ऑलरेडी इन पुणे वर्किंग टू गेट द टेक्निकलिटीज ऑफ शूट राइट। शाहरुख खान विल बी जॉइनिंग देम एनी डे नाउ एंड द मेकर्स आर ऑल गियर्ड अप फॉर द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द फिल्म। इट्स अ ब्रीफ स्टिंट टू गेट थिंग्स रोलिंग ऑन द फिल्म। इवन नयनतारा विल बी पार्ट ऑफ द स्केड्यूल एंड द शूट इज सेट टू बिगिन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। इट्स लार्जर देन लाइफ येट ड्रिवन बाय परफॉर्मेंस। अटली मास्टर्स द आर्ट ऑफ मेकिंग डबल एंड ट्रिपल रोल फिल्म्स एंड दिस इज हिम ब्रिंगिंग द जॉनर बैक टू बॉलीवुड विद एसआरके। आपको बता दें कि डायरेक्टर अटली की ये फिल्म एक्शन थ्रिलर बताई जा रही है जिसमें शाहरुख के डबल रोल हैं। और इससे पहले शाहरुख 4 फिल्मों में डबल रोल प्ले कर चुके हैं जिसमें डुप्लीकेट, पहेली, डॉन और फैन शामिल हैं। खैर, आपको बता दें कि चर्चा है कि इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर भी हैं। अब ये दोनों कब से इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं फिलहाल इसे लेकर कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई। वैसे आपको बता दें कि शाहरुख खान की आखिरी फिल्म जीरो रही थी जो 3 साल पहले रिलीज हुई थी और इसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस और डायरेक्टर आनंद एल रॉय की कंपनी कलर येलो प्रोडक्शंस के साथ मिलकर बनाया गया था। हालांकि इस फिल्म का हश्र इतना बुरा हुआ कि इसी कारण शाहरुख ने 2 साल का ब्रेक लिया। हालांकि लॉकडाउन की वजह से शाहरुख का ये ब्रेक 1 साल और खिंच गया और इस हिसाब से पूरे 3 साल बाद शाहरुख खान की किसी नई फिल्म की अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन कब तक अब अटली अपनी इस फिल्म का ऐलान करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।